हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मॉन्टेनेग्रो। मेरा नाम है तोरवशु। आज मेरा दूसरा दिन है कुटूर मॉन्टेनेग्रो में। मेरे साथ ये रूम पार्टनर है, रूम पार्टनर क्या जो मैं हॉस्टल में रुका हूँ, सेम रूम में रुकी हुई है, शी इज अलोइसा। हेलो गाइस, आई एम अलोइसा फ्रॉम द फिलीपींस। तो ये फिलीपींस से है बट शी इज लिविंग इन दुबई फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, राइट? राइट। मैं कुटूर में मॉन्टेनेग्रो के और अभी ओल्ड टाउन में, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था। तो अभी हम लोग वॉक कर रहे हैं, जाते कुछ पहले कुछ खाते हैं, फिर आप लोगों को बहुत शॉर्ट में मॉन्टेनेग्रो और कुटूर की हिस्ट्री बता देते हैं, उसके बाद फिर कुटूर को एक्सप्लोर करते हैं। एंजॉय। तो ये कुटूर ओल्ड टाउन, यहाँ आप देख सकते हो हर जगह बहुत ढेर सारे कैफेज रेस्टोरेंट हैं, तो लोग हर जगह भरे हुए हैं, यहाँ पे कॉफ़ी पी रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो। ओल्ड टाउन के अंदर एक फेमस बेकरी है, उसका नाम है मामा मियाँ। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है, वहाँ कुछ खाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, वेज भी है, नॉन वेज भी है, उसके साथ में वेगन ऑप्शन भी है। खास बात ये है, जो भी आइटम्स है सबके इसमें इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है। मीट मिला है, किसकी चीज़ मिला है, मिल्क मिला है, सारे मेन इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। यू वांट चीज़ बुरेक और समथिंग एल्स? आई विल टेक चीज़ बुरेक। टू चीज़ बुरेक। ये देखो, ये आइटम वेगन है तो इसमें वेगन लिखा हुआ है। तो गाइस, हम लोगों ने चीज़ बुरेक लिया हुआ है जो कि पूरे बाजार बालकान से बहुत फेमस है। आप बालकान से कोई भी कंट्री में जाओगे आपको सब जगह मिलेगा, आप जानते ही हो। मेरे सर्बिया के ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा और अल्बेनिया के पहले ब्लॉग्स में आप लोगों ने देखा। तो 1.5 यूरो का है, लगभग 120-130 रुपए के आसपास हो गए हैं, और काफ़ी हैवी, काफ़ी फिलिंग होता है ये। इसे खा लेंगे ना तो दोपहर तक के लिए पेट भर जाता है, ऐसा है ये। और काफ़ी टेस्टी भी है। मैं तक पूरे 3 कंट्री में खा चुका हूँ, सबसे पहले सर्बिया में, फिर अल्बेनिया में, और मॉन्टेनेग्रो में। इसका जो टेस्ट है, मॉन्टेनेग्रो के बोरे का जो टेस्ट है, वो थोड़ा सर्बियन टेस्ट आ रहा है। अल्बेनियन बोरे का टेस्ट काफ़ी अलग था। अल्बेनिया में जो चीज़ रहती थी ना, उतनी सोर नहीं रहती थी, उतनी खट्टी नहीं रहती थी। पर जो सर्बियन एंड मॉन्टेनेग्रन बोरे का है, इसकी चीज़ काफ़ी खट्टी है, तो थोड़ा यूनिक टेस्ट आता है इसमें। अभी अचानक से बारिश होना शुरू हो चुकी है, बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो अभी हम लोग सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं, कुटूर का सबसे जो मेन अट्रैक्शन है वो है कुटूर फोर्ट्रेस, या सेंट जॉन फोर्ट्रेस भी बोलते हैं। हम लोग वहाँ जा रहे हैं, वो सबसे टॉप पॉइंट है पूरे कुटूर का। वहाँ से पूरे कुटूर का व्यू आता है जो कि बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत आता है। ये पूरा बे ऑफ कुटूर है, आप देख सकते हो, और ये माउंटेन रेंज है पूरा, ये है सेंट जॉन माउंटेन। और ये पूरा कुटूर ओल्ड टाउन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये पूरा रास्ता आया हुआ है कुटूर फोर्ट्रेस के लिए, यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं। फोर्ट्रेस जाने के लिए ये टिकट परचेस करना पड़ता है, एंट्रेंस टिकट है ये 8 यूरो का। थोड़ा कॉस्टली है बट जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे कुटूर का बेस्ट व्यू यहीं से आता है। और अगर आप सुबह 7 बजे के पहले आते हो तब एंट्रेंस फ्री है, लेकिन इतनी जल्दी भाई कौन उठ पाएगा, और 6:30 तक तो दिन होता है तो कुछ दिखेगा भी नहीं, तो लोग ज़्यादातर उसके बाद ही आते हैं। कुछ इस टाइप के पतले पतले रास्ते गए हुए हैं, और जैसे जैसे आप ऊपर जाते रहोगे ना, उतना अच्छा अच्छा कुटूर ओल्ड टाउन का व्यू आता रहेगा। जितना ऊपर जाओगे उतना बेटर व्यू। अभी हम लोग कुटूर फोर्ट्रेस के लगभग हाफ वे पे आ चुके हैं, आधा चढ़ चुके हैं, आधा बाकी है, और व्यू बहुत बढ़िया आना शुरू हो चुका है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, सिर्फ हाफ व्यू से ऐसा व्यू आ रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू वाटर। ये पूरा बे ऑफ कुटूर है, और ये पूरा कुटूर का टाउन है। कई सारे शिप्स वहाँ चल रही हैं, फेरीज चल रही हैं, और आप देख सकते हो चारों तरफ से माउंटेन से कुटूर घिरा हुआ है। देख रहे हो, हर तरफ माउंटेन ही माउंटेन है। इवन यहाँ पर भी पूरा ये माउंटेन, जहाँ हम लोग ऊपर हाइक कर रहे हैं, कहीं वहाँ पर जाना है। कुटूर टाउन से पूरा कुटूर फोर्ट्रेस तक जाने के लिए इस टाइप की कई सारी ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, लगभग 1300 सीढ़ियाँ हैं। सो हाउ डू यू फील द व्यू? आई फील लाइक आई एम ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, इट एक्चुअली फील्स लाइक गेम ऑफ थ्रोन्स। या यू बीन टू दुब्रोनिक, क्रोएशिया? क्वाइट सिमिलर। अगर आप क्रोशिया गए होगे, क्रोशिया के दुब्रोनिक सिटी, तो बहुत ही सिमिलर टाइप का वहाँ का भी व्यू है। पूरा ये ऑरेंज रूफ हाउसेस वहाँ पर भी है, यहाँ पर भी हैं, जो पूरे सिटी को, पूरे टाउन को यूनिक बनाता है। और जो गेम ऑफ थ्रोन्स के फ़ैन हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि कुछ वैसा ही लुक गेम ऑफ थ्रोन्स पर भी दिखाया गया है जो कि क्रोशिया में शूट हुआ है। बहुत ही सिमिलर लैंडस्केप है यहाँ पर। Church.
ऑलमोस्ट हम लोग टॉप पे पहुंच चुके हैं और कोई चर्च आया है, मेरे एक नाम नहीं पता था, तो बाहर एक लेडी थी, उस सोवेनियर की शॉप लगाई हुई थी, तो लेडी ऑफ हेल्थ कुछ ऐसा नाम इसका बता रही चर्च का। पूरा 1300 स्टेप्स है, तो नीचे से ऊपर तक आना थोड़ा टायरिंग हो सकता है, लेकिन पूरे रास्ते में इतना प्यारा प्यारा व्यू है, देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल नज़ारे हैं, कितने खूबसूरत नज़ारे हैं कोटोर के, बे ऑफ कोटोर के। तो आपका ध्यान नहीं रहेगा कि आप ऊपर चल भी रहे हो, आप थक भी रहे हो, पूरा एंजॉय करते हुए ऊपर आओगे, आपको पता नहीं चलेगा आप ऊपर कब पहुँच गए। फाइनली हम लोग कोटोर फोर्टेस के टॉप पे पहुंच चुके हैं, पूरा ब्लू वाटर यहाँ से दिख रहा है, बहुत सारी शिप्स हैं, बोट्स हैं, फेरीज हैं, यहाँ पे देख रहे हो कार्स वगैरह कितनी छोटी छोटी दिख रही हैं ऊपर से, हम लोग इतने ऊपर आ चुके हैं। एक घंटे में वेदर पूरा चेंज हो चुका है, एक घंटे पहले हल्की हल्की बारिश हो रही थी, अब बहुत तेज धूप निकल आई है, और अब आप लोगों को मैं बहुत शॉर्ट में मोंटेनेग्रो और थोड़ा कोटोर की हिस्ट्री के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो मोंटेनेग्रो बहुत ही पुरानी कंट्री है, बट ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग यूनियन का पार्ट रहा है। ईयर 1918 से लेकर ईयर 1992 तक मोंटेनेग्रो यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करता था। यूगोस्लाविया बालकांस की 6 कंट्रीज़ को मिल के बना हुआ था। अर्ली 1990s में यूगोस्लाविया में काफ़ी सिविल वॉर हुए थे, फिर उसके बाद 1992 में यूगोस्लाविया का ब्रेकअप हो गया, और 1992 में ही मोंटेनेग्रो और सर्बिया ने एक अलग ही कंट्री बनानी है अपने आप में, जिसका नाम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूगोस्लाविया, FR यूगोस्लाविया। फिर फाइनली 2006 में मोंटेनेग्रो को फुल इंडिपेंडेंस मिला सर्बिया से, और बहुत ही पीसफुल इंडिपेंडेंस था ये, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं, सब आपसी सहमति से हुआ था, वोटिंग करके किया गया था, बहुत ही पीसफुली हुआ था ये। तो 2006 में फाइनली मोंटेनेग्रो एक इंडिविजुअल कंट्री बना, आज से कितने साल हो गए, आज से 15 साल पहले। मैंने आप लोगों को पहले बताया था, फिर से बता रहा हूँ, मोंटेनेग्रो ना ही यूरोपियन यूनियन का पार्ट है ना ही शेंगन का पार्ट है, बट मोंटेनेग्रो यूरोपियन यूनियन का पार्ट होना चाहता है, इसके प्रोसेस में लगा हुआ है। इसके लिए मोंटेनेग्रो ने नाटो को भी ज्वाइन किया 2017 में, यानी आज से 4 साल पहले नाटो ने मोंटेनेग्रो को एज अ मेंबर स्टेट एक्सेप्ट किया हुआ था। तो ये तो हो गई मोंटेनेग्रो कंट्री की बात, अब मोंटेनेग्रो के लोगों की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को जानना, आप लोगों को समझना। मोंटेनेग्रो एक मल्टी एथनिक कंट्री है, कोई भी एथनिसिटी के लोग यहाँ पे मेजोरिटी में नहीं रहते हैं। मोंटेनेग्रो में सबसे ज़्यादा एथनिसिटी के लोग हैं वो है मोंटेनेग्रंस एंड सर्बियन, क्योंकि पहले दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे, तो मोंटेनेग्रो में काफ़ी सारे सर्बियंस रहते हैं, ऑलमोस्ट मोंटेनेग्रंस के बराबर रहते हैं शायद, और उसके अलावा आसपास की जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज है सारे वहाँ के एथनिक लोग मोंटेनेग्रंस में रहते हैं, लाइक अल्बेनियन हो गए, बॉस्नियन हो गए और क्रोशियन हो गए। आपको जान के हैरानी होगी कि मोंटेनेग्रो के काफ़ी सारे एरिया इंक्लूडिंग कोटोर 2500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, लगभग 5th century BC का ये टाउन है पूरा कोटोर टाउन। तो कई सारे एम्पायर ने कोटोर को, मोंटेनेग्रो को रूल किया है, उस वजह से जो पूरा मोंटेनेग्रो और कोटोर का जो कल्चर है ना काफ़ी मिक्स कल्चर है, सेंट्रल एशियन, बाइजेंटाइन, बालकांस, ओटोमैन और इटालियन, तो सब कल्चर को मिला के पूरा मोंटेनेग्रो का कल्चर बना हुआ है। तो यहाँ के जितने भी आर्किटेक्चर है, घर है, बिल्डिंग्स है, फोर्ट है, सारे कल्चर से, सारे एम्पायर से इंस्पायर होके बनी हुई है। मोंटेनेग्रो इज़ अ ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, लगभग 75% पॉपुलेशन इसकी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है। सो वी हैव सम बिहाइंड द सीन, डोंट फॉलो के। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, व्यू देखिए शानदार, नीचे आने का तो मन ही नहीं कर रहा है। तो ये पूरा कोटोर फोर्ट्रेस है जिसको सेंट जॉन फोर्ट्रेस भी बोलते हैं, और ये पूरा सेंट जॉन्स माउंटेन पे लोकेटेड है। और आखिरी 500 साल में पूरे कोटोर पे कई सारे अर्थक्वेक आए हैं, उसकी वजह से ना काफ़ी सारा ये जो कोटोर फोर्ट्रेस है डिस्ट्रॉय हो चुका है। हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4 बज रहे हैं। कोटोर फोर्ट्रेस से आने के बाद एलोइसा चली गई थी बीच पे, और मैं हॉस्टल आ गया था, थोड़ा 1-2 घंटे मैंने रेस्ट किया। कल रात मैं कुछ भी नहीं सोया, पूरी रात एडिटिंग कर रहा था वीडियो अपलोड करने के लिए, तो मैं 2-3 घंटे मैं शायद रेस्ट किया होगा। अभी शाम को 4 बज रहे हैं, हम लोग निकले हुए हैं कोटोर ओल्ड टाउन में, अभी हम लोग कोटोर ओल्ड टाउन में हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं लोकल बाज़ार, यहाँ पे कोटोर की बाज़ार है, तो वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं कैसी बाज़ार है, उसके बाद
कुछ कैथेड्रल्स है और भी कुछ जगह है, एक्सप्लोर करते हैं सब कुछ आज यहाँ पे. हाउ वाज एक्सपीरियंस एट द बीच? इट वाज प्रीटी नाइस बट द वाटर वाज कोल्ड सो कोल्ड या इट डिडंट टेक मच टाइम. डिड यू गो अंडर द वाटर? Yes, I did. I had my goggles with me. Okay. I was trying to look for fish, but... Fish? It's not a good spot for snorkeling, apparently. यहाँ पर देखो लोग यहाँ पर कपड़े इस तरह सुखा रहे हैं. मैंने पूरे मोंटेनेग्रो में कई जगह देखा कपड़े लोग इस तरह सुखाते हुए यहाँ पे. पता नहीं इसके ऊपर जाते कैसे सुखाते, कैसे मेरे को ये नहीं पता. कैसे पहुँचते होंगे पता नहीं. देख लो इस टाइप की पूरे कोटोर ओल्ड टाउन में पतली पतली गलियां जिसके लिए कोटोर ओल्ड टाउन फेमस है. पतले पतले नैरो नैरो लेन्स है. ऐसा बोला जाता है जब आप कोटोर ओल्ड टाउन में आओगे ना तो आप खो जाओगे यहाँ पे. इवन लोकल्स भी खो जाते हैं जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है. यहाँ पे खोना बहुत आसान है क्योंकि आइडेंटिकल टाइप की बहुत ढेर सारी पतली पतली गलियां हैं, नैरो लेन्स है और सब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है. तो ये है कोटोर बाज़ार. देख सकते हो यहाँ कोटोर बाज़ार लिखा हुआ है. ऑटोमैन आर्किटेक्चर का ये बाज़ार है. यहाँ पर ये कई सारी सोवनियर्स की शॉप्स है. फ्रिज मैग्नेट्स बिक रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे कई सारी कलरफुल टी शर्ट्स हैं. ये एक मोंटेनेग्रो की टी शर्ट है. मोंटेनेग्रो का फ्लैग बना हुआ है. सारी टी शर्ट 10-10 यूरो की, यानी कि लगभग 900 रुपए की पड़ेंगी एक टी शर्ट. तो यही थी कोटोर मार्केट. फोटो में इतना गूगल पर इतना समझ में नहीं आता जब तक आप एक्चुअल में जाके विजिट ना करो. और जो ये कोटोर ओल्ड टाउन है ये कई बार अर्थक्वेक से डैमेज हो चुका है. इसको रिबिल्ड किया गया है. और लास्ट टाइम यहाँ पर अर्थक्वेक आया था 1979 में. तभी पूरे कोटोर ओल्ड टाउन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है. ये देखो यहाँ सब पुराने पुराने मिडिवल एजेस के घर हैं और ऑलमोस्ट सब के जो डोर और विंडो है सब ग्रीन कलर के हैं. पूरे कोटोर के ओल्ड टाउन में देख सकते हो आप, जो इस प्लेस को अपने आप में एक यूनिक बनाता है. और यहाँ पूरा ये बड़ा माउंटेन देख सकते हो. यहाँ ओल्ड टाउन सामने माउंटेन, कितना ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है. अचानक से बहुत तेज़ी से क्लाउड आ गए हैं, बादल हो गए हैं. कभी भी बारिश हो सकती है. अचानक से रोशनी कम हो चुकी है. बारिश कभी भी हो सकती है. सुबह उठा मैंने तो बहुत तेज़ तो नहीं, हल्की बारिश हो रही थी जब मैं हाइक करने गया. फिर धूप निकल आई, दिन भर दोपहर भर धूप थी. अभी शाम होते ही बहुत तेज़ बादल आ गए हैं. तो वेदर एक पल में यहाँ चेंज हो जाता है. और हाँ, एक बात जो मेरे को बहुत स्टार्टिंग में बता देनी चाहिए थी जो मैंने नहीं बताया. मोंटेनेग्रो जो कंट्री है, मोंटेनेग्रो का मतलब क्या होता है? मोंटेनेग्रो का मतलब होता है ब्लैक माउंटेन. मोंटेनेग्रो एक्चुअली दो वर्ड मिल के बना है, मोंटे एंड नेग्रो. माउंटेन मतलब होता है माउंटेन और नेग्रो मीन्स ब्लैक होता है. तो उसका मतलब हो गया ब्लैक माउंटेन. खैर यहाँ तो माउंटेन है लेकिन ब्लैक तो नहीं लग रहा है, बट डार्क ब्राउन जरूर लग रहा है. मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कोटोर ओल्ड टाउन में खोना बहुत आसान है. मेरे हॉस्टल के जस्ट पास में ही कोटोर का सबसे बड़ा चर्च है, फेमस चर्च है कोटोर चर्च. तो हम लोग वहीं से आ रहे हैं, बट अब वहाँ यहाँ से वापस वहाँ जा रहे हैं हम लोग रास्ता भूल गए हैं. समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पतली पतली इतनी नैरो लेंस है तो हम लोग को 200 मीटर के लिए गूगल मैप्स पे देखना पड़ रहा है. वी लॉस्ट अवर वे. देख रहे हो बारिश होना शुरू हो गई बाहर. और यूरोप आए हो तो चर्च ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. पूरे कोटोर में बहुत सारे चर्चेज हैं और जिस चर्च अभी हम लोग आए हुए हैं इस चर्च का नाम है कोटोर कैथेड्रल. और इसका एक नाम और भी है, सेंट ट्राइफोन कैथेड्रल. ये सबसे मेन चर्च है पूरे कोटोर का. इसको कोटोर का सिंबल भी बोला जाता है. अंदर रिकॉर्डिंग मेरे को मना कर दिया करने से, शायद कुछ प्रेयर चल रही थी तो मैं रिकॉर्डिंग अंदर कर नहीं पाया. और ये चर्च अर्थक्वेक से कई बार डिस्ट्रॉय हो चुका है, कई बार इसको बनाया गया है. ये दो बेल टावर है आप देख सकते हो. ऐसा बोला जाता है जब अर्थक्वेक के बाद ये दोनों डिस्ट्रॉय हो गया था तो दोनों को एक साथ बनाया जा रहा था. एक पूरा बन गया, एक पूरा बन नहीं पाया, काम रुक गया, इसलिए इनकम्प्लीट रह गया इस साइड वाला. इसलिए अनइवन है, देख सकते हो आप. 1166 में पहली बार ये चर्च बना था, आज से 900 साल पहले. और लास्ट टाइम ये 2016 में रेनोवेट हुआ है. कुछ ऐसा इसकी हिस्ट्री है. ये है, हम लोग पीछे आप लोग देख रहे हो, ये है सेंट निकोलस चर्च. क्योंकि ये सर्बियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है तो वहाँ पर ये सर्बियन ऑर्थोडॉक्स का फ्लैग लटका हुआ है. अब हम लोग कोटोर ओल्ड टाउन के बाहर आ गए हैं. ये कोटोर ओल्ड टाउन का गेट है
मैंने आप लोगों को पहले बताया था कोटोर ओल्ड टाउन में टोटल 3 गेट है, क्योंकि पूरी वॉल्ड सिटी है ये, हर तरफ से वॉल से घिरी हुई है, एक तरफ माउंटेन है और तीन तरफ वॉल है। जो वॉल की लेंथ है ना वो 4.5 किलोमीटर की लेंथ है, इतनी लंबी वॉल है ये। एक तरफ तो माउंटेन हो गया, बाकी तीन तरफ वॉल है, इसलिए 3 गेट है उस पर, रिवर साइड गेट, सी साइड गेट एंड नॉर्थ साइड गेट। तो ये शायद है सी साइड गेट है। तो ये पूरे ओल्ड टाउन के बाहर का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, हर तरफ माउंटेन माउंटेन जो पहचान है कोटोर की। और वहाँ सामने है बे ऑफ कोटोर, तो चलते हैं बे ऑफ कोटोर के पास, थोड़ा बहुत उसको देखते हैं, वहाँ वॉक करते हैं। पूरा ये बे ऑफ कोटोर का वाटर है, जो ऊपर से पूरा ब्लू कलर का दिखता था, ग्रीन कलर का दिखता था। कई ढेर सारे शिप्स हैं, बोट्स हैं, क्रूज हैं, देख सकते हो, जो ऊपर से छोटी छोटी दिखती थी, चीटी बराबर, यहाँ आके कितनी बड़ी बड़ी दिख रही हैं ये। इज इट कोल्ड एंड द वाटर इज सो क्लियर, इज क्रिस्टल क्लियर वाटर। तो बे ऑफ कोटोर पे वॉक करते करते ये आ गया है कोटोर बीच, आ गया। मेरा यहाँ आने का प्लान नहीं था, बट ये बे ऑफ कोटोर पे ये रास्ते में था तो आ गया है। इसका पानी देख सकते हो कितना ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है। क्रिस्टल क्लियर होता है चलो मानता हूँ, उससे भी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर लग रहा है कि वाटर ही नहीं है। डायरेक्ट मैं इसके नीचे का सरफेस देख रहा हूँ, देख सकते हो, दिस इज़ नॉट अ सैंडी बीच, स्टोन ऑल्सो, तो ये जो बीच है ना ये सैंडी बीच नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी सैंड नहीं है, पूरे छोटे छोटे स्टोन है यहाँ पे, देख सकते हो सारे स्टोन है, सैंड का यहाँ नामो निशान नहीं है। ये देखो सारे स्टोन, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है स्टोन की वजह से। कुछ लोग स्विमिंग करते हुए यहाँ पे, अब बारिश फिर से शुरू हो गई है, थोड़ी देर में वापस निकलना पड़ेगा फिर। टाइम हो गया है आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करने का। तो यहाँ मैं मामा मिया बेकरी आया हुआ हूँ। यहाँ पर ना सिर्फ यही नहीं, पूरे कोटोर में बहुत सारी शॉप्स हैं, बेकरी शॉप्स हैं, जहाँ पर 2-2 यूरो का पिज़्ज़ा मिलता है, काफ़ी बड़ी साइज़ मिलती है। आप एक साइज़ खा लो ना आपका पेट भर जाएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आई एम फ्रॉम इंडिया, इंडिया ही फ्रॉम कोटोर, नो देन मैसेडोनिया, अच्छा यू टोल्ड मी। तो ये पिज़्ज़ा का स्लाइस है जो मिला है 2 यूरो में। In Qatar, yes. Doha. Yes, like this. Okay, same kind of bakery. Yes. Okay, okay. Colleagues, we call it India. She say she have a colleague from India. Colleague from India. Oh, yes. Good, good. So pizza is quite tasty. How long you are working here? Later. Okay. Maybe 2 months. Yes. And you have your family in Macedonia? Yes. She's my dad. Oh, you is your dad? Oh, yes. Wow. Nice, very nice. But I work first time in bakery. Your dad is a owner? Shop owner? Yes. He's a owner. Yes, okay, okay. Yes. And my mom also. Mom also comes here? Yes. Okay. Make all this. Okay. We have very nice bakery shop. Yes. Very tasty. Bye. 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 आई होप आज का कोटोर का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो कल एक नई जगह जाना है, वो जगह बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत मज़ा आने वाला है, एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस होने वाला है कल। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर कल आप लोगों को, गुड नाइट।